हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीरीज टॉक्स। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही मच अवेटेड फिल्म जिसके लिए पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि मैं द वैम्पायर डायरीज का बहुत बड़ा फैन हूँ। अगर आपने भी द वैम्पायर डायरीज देखी है तो आपको पता ही होगा नीना डोवरेव यानी कि एलिना गिलबर्ट जो थी, उनकी जो एक्टिंग थी सबसे बेस्ट थी, और मैं उनका पर्सनली बहुत बड़ा फैन हूँ। बहुत टाइम बाद उन्होंने एक मूवी के अंदर काम किया है, एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। जी हाँ दोस्तों, रोमांटिक फिल्म है जिसके अंदर आपको नीना डोवरेव नजर आने वाले हैं। साथ में आपको और एक हिंट दे देता हूँ, अगर आपने नेवर हैव आई एवर सीरीज देखी है उसमें एक कैरेक्टर था पैक्सटन। जी हाँ दोस्तों, आपको पैक्सटन और नीना डोवरेव के बीच में आपको लव स्टोरी नजर आने वाली है। एक बहुत ही प्यारी सी फिल्म है। इसके अंदर क्या स्टोरी है, कैसी चीजें हैं, आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा, तो इसे प्लीज एंड तक जरूर देखना। फिल्म की स्टोरी के बारे में आपको थोड़ा सा अगर हिंट दूं तो फिल्म की स्टोरी रिवॉल्व करती है नीना के कैरेक्टर के ऊपर, जो कि एक डेटिंग वेबसाइट पर मिलती है लड़की को। उससे बहुत बातचीत होती है और हॉलीडेज के टाइम में उससे मिलने के लिए उससे पहुंच जाती है। जब वो वहां पहुंचती है तो उसे वहां मालूम चलता है कि भाई ये तो खुदा पहाड़ और निकली चुगिया, मतलब किस जिस बंदे से वो बात करती थी वो नहीं, कोई और ही बंदा निकल गया, जो कि आजकल हर डेटिंग वेबसाइट पर आपको मिल ही जाता है। लेकिन दोस्तों, होता है एक ट्विस्ट, वो लड़का सच में एग्जिस्ट करता है और उन दोनों के बीच फिर होती है एक प्यारी सी लव स्टोरी स्टार्ट, जिसमें नीना का कैरेक्टर मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो बस दोस्तों, इस फिल्म के अंदर पर्सनली मुझे कोई भी कमी नजर नहीं आई है। नीना की फिल्म है ये और मैं इसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहा था, और इस फिल्म को देखने के बाद बिल्कुल एकदम मूड बढ़िया सा हो गया है। आप भी फटाफट से जाकर इस फिल्म को देख लीजिए अगर आप इसके लिए वेट कर रहे थे तो। इस फिल्म के बारे में अगर मैंने थोड़ा ज्यादा स्पॉयलर्स दे दिए तो उसके लिए वेरी सॉरी। अगर आप वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी के साथ मैं जल्दी मिलता हूं अपने अगले वीडियो में।